कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ अपना रिएक्शन और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, वो है विराट कोहली की एटीट्यूड वीडियो। और ये सिर्फ एटीट्यूड वीडियो नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट वीडियो है टू किंग कोहली ऑन कंप्लीटिंग हिज 500 इंटरनेशनल मैच। एंड नॉट ओनली कंप्लीटिंग 500 इंटरनेशनल मैच बट ऑल्सो स्कोरिंग अ 7600 ऑन हिज 500 इंटरनेशनल मैच, तो बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट है तमाम कोहली फैंस के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट के चलते हो, पहले इस वीडियो को एंजॉय करते हो, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। सो वैसे कर दी है मैंने वीडियो प्ले। अभी तक आपको पता है कि आपने दो बार रोहित शर्मा को आउट किया है, विराट कोहली को आपने आउट नहीं किया। नहीं, ड्रीम है मेरा। There's one player in world cricket that you want in a run chase in any format, it is obviously Virat Kohli. In run chases in the history of the game, there is Virat Kohli, there is Dalai, and then there's the rest. Class. क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में ये हमेशा मेरे से कोई पूछता है तो मैं क्यों कहता हूँ कि विराट मेरा फेवरेट है, इस एरा का वो बेस्ट है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि मैंने भी उसको बॉलिंग की हुई है, जिस तरह का उसका टेम्परामेंट है, जिस तरह का उसका माइंडसेट है टुवर्ड्स गेम, उसके वर्क एथिक्स और फिर प्रेशर को जिस तरह वो हैंडल कर सकता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई दुनिया में इस टाइम बैट्समैन इतने प्रेशर को इस तरह हैंडल करता होगा। और लोग उसको पता नहीं कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट बैट्समैन के साथ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और यस, आई थिंक उसकी वन ऑफ द बेस्ट ये T20 इनिंग होगी, और उसने खुद कहा भी है। और आउट ऑफ नोवेयर देख लेना आपने, उसने पाकिस्तान के मुंह से गेम छीना है ऐसे। और ये बड़े प्लेयर की निशानी है, हर बंदा कह रहा था कोहली फॉर्म में नहीं है, कोहली ये नहीं है, पर बड़ा प्लेयर वही होता है, एक्सपीरियंस प्लेयर वही होता है, वो हमेशा प्रेशर में आके ना चिप इन करता है। जो विराट ने कल किया है आई थिंक वो वही कर सकता था। मैं मुझे एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक लगा हुआ था जब ये हमारा T20 का मैच चल रहा था, ठीक है, विराट कोहली खेल रहा था। अब मैंने अपने एंड से तो, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने सोच लिया था कि शायद यार ये निकाल देंगे, हमारे बॉयस निकाल देंगे, इतना मुश्किल काम नहीं, हारिस रऊफ खड़ा हुआ है, शाहीन है, बाकी नवाज है, निकाल देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन खेलते खेलते स्लो 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 वो बंदा इतना चिपक गया, इतना खड़ा हो गया कि मैंने बोला कि यार पांड्या निकल जाएगा, सब निकल जाएंगे, ये बंदा तो नहीं निकलने वाला। देन कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, वो जो बात बोली हर्षा भोगले ने, मैंने बोला ओके ठीक है खत्म करो, क्योंकि वो वहां दो छक्के चाहिए थे और विराट कोहली ही मार सकता दो छक्के, कोई और दुनिया का। और हरदीप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो दो बॉले हारिस रऊफ ने की उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, वो विराट कोहली जैसा प्लेयर ही सिर्फ शॉट मार सकता था, अदरवाइज आप सही कह रहे हैं कि कोई प्लेयर नहीं मारता। यार हाउ कुड बी पॉसिबल कि कोई बॉलर आके स्लो बाउंसर मार रहा है इस साइड पे और वो सामने छक्का मार। मुंबई के अगेंस्ट मैच था तो कोरी एंडरसन ने छक्का मारा, अगली बॉल भी मैंने उसको आउट किया और फिर मैंने उसको बोला और वो पूरा का पूरा टीवी पे आ गया। लिटरली उस टाइम बोल दिया गया था डैनियल विटोरी कोच से, तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि आउट करके तू विराट भैया की तरफ भाग ले, वहां तक को जो गाली देंगे तू दे दे।
What a terrific achievement. I wish you many more happy cricketing years. It's an achievement Virat Kohli can be very proud of. Virat, all the best to you. God bless you. It's a great moment for Virat. It's a great moment for Indian cricket. He's a legend. He attacked. So, they will panic. And when 28 runs were needed in 8 balls, I was backing myself. I said, I have to hit 2 sixes, otherwise we'll lose the game. So, Kohli, Kohli, run the FCG. विराट कोहली की बात बताऊंगा। विराट कोहली जैसे आज आउट हुए, ऐसे आउट होके आए थे एक मैच में, और मैं उनके बगल में बैठा हुआ था। मैंने कहा शायद जो ना बैट फेंकेंगे गुस्से में होंगे कि यार ना खराब शॉट मारी है, पर बैट फेंका, बैट उतारा और मैं बगल में बैठा था। मुझे बोले कह भाई अगली इनिंग में फेंटी लगाऊंगा। बंदा बोले फेंटी क्या होता है? मैंने कहा मारूंगा अगली इनिंग में 72 नाबाद। तो ये ऐसा प्लेयर है कि ना अब आउट हो क्या है, बंदा निराश होता है, नाराज होता है, यार क्या खेलूं, कुछ नहीं, आउट हुए भूले, अगला मैच देखना है 72 नाबाद। मैंने कहा भाई ये खिलाड़ी में दम है। इंडिया के अलावा पूरी दुनिया एक क्रिकेट के जो यंगस्टर हैं वो एक ही बंदे का नाम जानते हैं, लेकिन 3-4 टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया में, वो सिर्फ है विराट कोहली। जो बात है, किंग कोहली। There are many great batsmen in this generation, like Stephen Smith, Joe Root, Rohit Sharma, and many more. But none of them even compared to the greatest batsman of this generation. Virat Kohli! This game was gone. Virat Kohli pulled it back. Virat Kohli is the best player I've ever seen in my life. Molly, look at his face, his determination. Any form of the game, Kohli is the greatest player on the planet, full stop. मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग। सो गाइस, ये थी छोटी सी धमाकेदार शानदार ट्रिब्यूट वीडियो विराट कोहली के 500 इंटरनेशनल मैच कंप्लीट होने पे, एंड आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा जितना मैंने एंजॉय किया इस वीडियो को देखने में। सो गाइस, बात करें अगर वीडियो की, तो इसमें जिसने भी एक एक लव्स भी जो बोला है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। उसमें तो कोई शक नहीं है कि किंग कोहली जैसा दूसरा बैट्समैन अब तक नहीं देखा गया, कि जिस तरह वो खेलते हैं प्रेशर में भी इतना कामली वो उनको देखा जाता है ग्राउंड में खेलते हुए, कि उनके चेहरे से कहीं नहीं लग रहा था कि वो किसी कोई प्रेशर भी ले रहे हैं। बहुत ही शांत स्वभाव होता है, कभी कभी उन्हें एग्रेसिव भी देखा जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो अब बहुत वो बदलते जा रहे हैं। बात करें स्पेसिफिक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के जो मैच हुआ था T20, और जिसमें जो हारिस रऊफ को उन्होंने 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाए थे जो कि यादगार रहेंगे, हिस्ट्री में लिखे जाएंगे, उसमें सही बोला जा रहा है कि वाकई हारिस रऊफ की शायद उसमें इतनी गलती नहीं थी, उनकी बॉलिंग इतनी खराब नहीं थी जितना विराट कोहली का शॉट क्लास का था। मतलब उन्होंने बिल्कुल ही स्लो बाउंसर पे खड़े खड़े जो छक्का लगाया, उसके बाद दूसरी बॉल पे भी इतने आराम से, इतना स्मूथली जो है वो हिट किया बॉल को कि वो आउट ऑफ द ग्राउंड जो है वो हिट हुई। सो ये करना ना एक क्लास के प्लेयर की ही बस की बात होती है, कोई आम सा जो है ना वो प्लेयर नहीं कर पाता। विराट कोहली उस लेवल के प्लेयर हैं कि तभी हम उनसे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते थे। वैसे तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि इंडिया जो है वो ये मैच हार जाएगी और विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उस दिन जो इस तरह विराट कोहली ने वो मैच जो है वो पाकिस्तान के मुंह से वाकई छीना था, वो पता नहीं कितने सालों तक इस बात को याद रखा जाएगा, मेरे ख्याल से तो शायद हमेशा ही, क्योंकि ये भी सुनहरे पन्नों पे लिखा जाएगा जो विराट कोहली की उस दिन की परफॉर्मेंस थी। सो गाइस, हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा हमेशा विराट कोहली ऐसा ही परफॉर्म करे, क्योंकि ना सिर्फ वो इंडिया के लिए बेस्ट प्लेयर है बल्कि पूरी दुनिया में उनके फैंस जो है वो लातादाद है, और मैं भी उनकी बिगेस्ट फैन हूं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया जब खेलता है उसमें विराट कोहली जब परफॉर्म कर रहे हो, सो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। और आगे भी यही दुआ है कि इसी तरह वो खेलते रहे, इसी तरह जो है वो फॉर्म में उनकी जो है वो बैटिंग रहे, उसके साथ में कैप्टन भी वो अब तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बने वो दोबारा तो उम्मीद करते हैं कि उनकी कैप्टनसी में इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीते, T20 मैचेस जीते,
ताकि जो है वो और भी ज्यादा जो है वो हम उनकी तारीफ जम के कर सके। सो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आप लोग से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।